बात में किस तरीके से हर घर का बच्चा बच्चा मोदी जी का गुणगान कर रहा है। ये तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री को वहां पर सुनने के लिए देखने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है कि इन तस्वीरों को देखकर आप एक बात तो समझ गए होंगे, कोई कविता लिख के आया है, कोई गीत गा रहा है। प्रधानमंत्री क्या तैयारी करके आएंगे, उससे पहले ही जो लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं। पूजा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पूजा, आज तस्वीरें गजब के सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुष्कर में थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो मेरा तीसरा कार्यकाल होगा उसमें 100 दिन में मैं क्या करने वाला हूं, ये मैंने सोच रखा है, सब क्लियर है। यानी कि प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट वो हैं इस बात को लेकर कि तीसरी बार भी उनको जनता चुनने जा रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को बयां भी कर रही है। देखिए, तभी प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे, जब भी आप सुनेंगे उनको पूरे तमाम दौरों में एक बात दोहरा रहे हैं कि 10 सालों में जो काम हुआ वो ट्रेलर है, तो इससे बड़ा क्लियर है। और देखिए, आप अगर उनकी जुबान से सुने या इनफैक्ट हर बीजेपी के नेता की अगर बात को सुने तो इस बार कोई जीत की बात नहीं कर रहा, 400 पार की बात कर रहा है। जीत इस बार सुनिश्चित है, ये बीजेपी के लोग मानते हैं। इस बार जो नारा 400 पार का दिया है उसको साकार करने के लिए हर संभव कोशिश नजर आ रही है। हर राज्य की एक एक सीट पर बारीकी से पूरा गणित बिठाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन जगहों पर खास तौर पर फोकस कर रहे हैं जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी। हालांकि गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर बीजेपी की लगातार जीत हुई है, लेकिन इस बार क्योंकि अतुल गर्ग चुनावी मैदान में हैं और अतुल गर्ग के समर्थन में राजनाथ सिंह से लेकर तमाम दिग्गजों के जो हम यहाँ पर कार्यक्रम देख रहे हैं उसके तहत ये माना जा रहा है कि गाजियाबाद की सीट में इस बार थोड़ा टफ फाइट जरूर है। और शायद ये वजह है कि पूरी ताकत बीजेपी के नेताओं ने झोंक दी है। और आज पीएम मोदी का ये रोड शो जहां पर राम मंदिर के साथ साथ काशी और मथुरा का जिक्र भी हो रहा है, जैसा कि आप सुन भी पा रही हैं। मैं एक बार फिर से आपको भीड़ दिखाऊंगी, यहां पर जरा देखिए, ये एक भीड़ को आप देखिएगा। इसके अलावा चारों तरफ आप नजर घुमाइएगा, सामने देखिए लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से एक्साइटमेंट लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही देर का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सड़क पर अपना रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, लोगों के हाथों में फूल हैं, पहले से ही गुलाब की पंखुड़ियां लोगों के हाथ में हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर पहुंचे हैं, महिलाओं की तादाद है। इसके अलावा ये देखिए, डांस करते हुए लोगों को पहले आप देखिए, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, हर उम्र के लोग आपको यहां पर नजर आएंगे। और देखिए, इस तरफ अगर कैमरा पर्सन मेरे विकास आपको दिखा पाए तो यहाँ पर देखिए लोग लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, हाथ हिलाते हुए भारत 24 पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का बस अब इंतजार है, तमाम तैयारियां पहले से पुख्ता कर ली गई थी। लोग बस अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आए और उनका दीदार ये लोग कर पाए, और वो क्या कहेंगे इसके लिए भी ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है हर कोई सुनना चाहता है। और खास तौर पर जब उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री खुद जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि विपक्ष पर जमकर निशाना तो प्रधानमंत्री साधते हैं। पलक, एक बात बताइए, सुबह से आप इस चमचमाती धूप में खड़ी हैं, तमाम लोग आपके आसपास हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि इतनी ज्यादा गर्मी बाहर हो रही है उसके बावजूद लोग डटे हुए हैं, महिलाएं घर का काम छोड़कर आई हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बिल्कुल प्रीति, इसके पहले जब मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आज जो महिलाएं थी प्रॉपर पंजाबी पोशाक में आई हुई थी, नाच गाना यहाँ पर कर रही थी। और आप देखिए, मेरे आसपास जो महिलाएं हैं वो राजस्थानी पोशाक में यहाँ पर आई हुई है, पीछे मंत्रोच्चारण चल रहा है। और रोड शो तो है ही, लेकिन एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कोई धार्मिक आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर राम मंदिर की बकायदा एक पूरी थीम तैयार की गई, राम दरबार वहां पर सजाया गया है। आप इस तरफ देखेंगे तो आपको मंत्रोच्चारण सुनाई देंगे, नवामिशमीशम करके पूरा यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक बार बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, कितने एक्साइटेड आप लोग? हम बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, उन्हें देखने के लिए दोपहर से आए हुए हैं। आप लोगों ने ये थीम रखी हुई थी पीएम मोदी के स्वागत के लिए? मोदी जी के स्वागत के लिए रखी हुई है ये सब। कैसे आप प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करोगे? बहुत ही, मतलब गाना गा के, डांस करके। बताइए, सुनाइए फिर। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में भगवान लहराएंगे। बताइए, आप लोग कितने एक्साइटेड है पीएम मोदी आने वाले, थोड़ी देर में आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या
हमारे देश का मान बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधान मोदी जी आज गाजियाबाद में पधार रहे हैं, तो महिलाओं की 50+ भागीदारी है, तो हम महिलाएं मिलकर मोदी जी का एक भव्य बहुत ही सुंदर तरीके से है ना स्वागत करने वाले हैं। नेता आदमी नेता बोलो ना, हमें बहुत खुशी है कि हमारे गाजियाबाद जिले में मोदी जी आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है, आज ये मोदी जी गाजियाबाद में पहली बार आ रहे हैं। हम बहुत देखने के लिए इच्छुक थे, अब तक तो टीवी पर देखा था, लेकिन आज पर्सनली सामने देखेंगे। हमें अपने मोदी जी को ये दिखाना है कि हमारे देश में अनेकता में एकता, मेरी ये बहन राजस्थानी में है, ये पंजाबी में है, कोई गुजराती में है, उनको दिखाना कि हम सब अलग अलग हैं पर हम एक हैं और हम एक हमेशा उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हर हर मोदी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पलक एक मैसेज ये जाता हुआ कि वासुदेव कुटुंबकम जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से कहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की धरती पर हो या विदेशी जमीन पर, प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज हमेशा दिया गया है। और खास तौर पर अक्षय आपी के पास आते हुए देखे, राम मंदिर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 2019 में मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई थी, धारा 370, 2014 की भी अगर हम बात करें, धारा 370 खत्म किया जाएगा, राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिन पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से अपनी बात को दोहराते थे। और अगर हम राम मंदिर की बात करें, हर किसी की जुबान पर है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 खत्म की गई है, कश्मीर जम्मू कश्मीर घाटी पूरा बदल चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किस तरीके से काम किया गया, कहीं कहीं पर तो कानून भी इसको लेकर बन चुका है। लेकिन अक्षय ये बताता है कि जो बात प्रधानमंत्री क्लियर मैसेज देते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और वही बात आज हर किसी की जुबान पर। इसीलिए समर्थन भी मिल रहा है प्रीति, और साफ तौर पर है कि समर्थन तभी मिलता है जब आप काम करते हैं। और कुछ दिनों बाद बीजेपी मैनिफेस्टो भी जारी करने जा रही है अपना, ये बताया जा रहा है कि मोदी की गारंटी के नाम से मैनिफेस्टो होगा। तो आपने जिक्र किया कि वो जिस तरह से बोलते हैं काम भी करते हैं, धारा 370 की बात हो या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, वो पूरा हो चुके हैं। अब दूसरी गारंटी की बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जो मोदी कहता है वो करता है, और साफ तौर पर है कि आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ेगी ये तो देखना दिलचस्प होगा। मैनिफेस्टो में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो कि इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, चाहे वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, युवाओं के लिए इस बार बेहतर गारंटी की बात कही जा रही है, इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण की बात कही जा रही है कि महतारी योजना जैसी कुछ योजना केंद्र में भी ला सकती है, लाडली बहना योजना को लेकर के केंद्र में कुछ बड़ी योजना लाई जा सकती है। और लगातार अब लोगों का पहुँचने का सिलसिला गाजियाबाद में शुरू हो चुका है, रोड शो कुछ देर बाद शुरू होगा। तस्वीरें कुछ और दिखा देता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर लोगों का अब जो रेला है वो लगातार पहुँचने लगा है, और आसपास जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आपको दूर तक दिखाई देंगे, जो बिल्डिंग्स हैं उस पर भी हो गए हैं। और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें मैं कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं जो महिलाएं छतों पर, मकान की छतों पर, रेलिंग्स पर खड़ी हैं ताकि प्रधानमंत्री का एक दीदार कर सकें, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे कहीं ना कहीं वो जो माहौल होगा वो कुछ अलग दिखेगा। सुरक्षाकर्मी लगातार चौकस हैं, इसके अलावा अलग अलग ड्रेसेस में तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, और अलग अलग कलाकार हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? कहाँ से आप लोग आई हैं? दिल्ली, दिल्ली से। ये मोदी जी के इसमें समर्थन में आई हैं? हाँ। कलाकार भी हैं मोदी के समर्थन में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम रंग बिरंगे ड्रेस में दिख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं को एंट्री दी जा रही है।